been trying very hard to try to understand कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब नहीं समझ आता तो हम दूसरे की जर्नी में अपनी लाइफ ढूंढने लगते हैं। और मेरा मानना यह है कि इस गाने में आपको यह बताया गया है कि जो आ रहा है उसको आने दो, जो नहीं आ रहा उसको नहीं जाने दो, नेक्स्ट चीज पे फोकस करो, अगले दिन पे फोकस करो, हर लम्हे को जीने पे फोकस करो। Hi, my name is Abhi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Good morning, everyone. I hope you're all doing well. This is Abhi Arya here. और अभी हमने नई सीरीज शुरू कर दिया, नई सीरीज जिसमें मैं मूवीज के रेफरेंस से आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ। तो आज की जो मूवी है जिससे हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और लाइफ के बारे में सीखेंगे, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। ब्यूटीफुल मूवी है, उसका जो गाना है जो रिलीज हुआ है पम परारा पम, उसके बारे में जो उसके लिरिक्स है वो हमको क्या सिखाते हैं अबाउट लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो लेट्स रिव्यू दिस मूवी फॉर आवर एंटरप्रेन्योरियल एंड लाइफ जर्नी टुडे। सो नंबर वन थिंग दैट ही सेज ओवर देयर इज कि हो रहा है क्या हम ना जाने। सो क्या हो क्या रहा है, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और जब नहीं समझ आता तो हम दूसरे की जर्नी में अपनी लाइफ ढूंढने लगते हैं कि यार उसकी जर्नी में तो वो बहुत आगे बढ़ रहा है या वो बहुत पीछे जा रहा है या उसने ऐसे स्टार्ट किया। हम कॉमन रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट कर ढूंढने लग जाते हैं, हमें लगता है नहीं वो तो मेरे ही गाँव का है, वो तो मेरे ही शहर का है, वो तो मेरे ही स्कूल का है, उसने तो मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, मेरी ही उम्र का है, मेरी ही उसकी मेरी जैसी उसकी बॉडी है, मेरे जैसे उसके माँ बाप है। बट रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं होता गौस, हमें पता नहीं पिछले जन्मों में कहाँ से कौन आदमी कहाँ से चल के आ रहा है, तो क्या जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे और कमेंटने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कुछ समझ आ रहा है, और अगर कुछ समझ आ रहा है तो उसे अपना लो, जो नहीं समझ आ रहा उसे जाने दो, जो समझ आएगा तब समझ आ जाएगा। सो इन योर लाइफ एंड योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जो समझ आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो नहीं समझ आ रहा उसे अभी के लिए छोड़ दो, वो समझ जरूर आएगा बाद। दूसरी बात, बारिश की बूंदें हैं, कुछ समेट लो और कुछ बह जाने दो। यू नो, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी एडवेंचर की तरफ जाते हैं, हम किसी बिजनेस की तरफ जाते हैं या किसी मुकाम को पाने के लिए हम जाते हैं, और रास्ते में कुछ चीज़ें हम पा लेते हैं, कुछ चीज़ें नहीं पाते, और हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, नहीं यार अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता तो मुझे पूरा मिल जाता, ये भी आ जाता, शायद 2 चीज़ें आ जाती, शायद डबल हो जाता, शायद ट्रिपल हो जाता, शायद ये होता, शायद वो होता, शायद मैं ये गलती नहीं करता, शायद मैं वो करता तो थोड़ी और किताबें पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और करता, और हर बार हर चीज़ को लॉजिक से जोड़ने की शुरू बात करते हैं। और मेरा मानना ये है कि इस गाने में आपको ये बताया गया है कि जो आ रहा है उसको आने दो, जो नहीं आ रहा उसको नहीं जाने दो, नेक्स्ट चीज पे फोकस करो, अगले दिन पे फोकस करो, हर लम्हे को जीने पे फोकस करो। आगे ये कह रहे हैं कि हम समुंदर का एक कतरा है या पूरा समुंदर है हम, तो कभी कभी हमारी खुद की हमारा माइंड हमको बोलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आसपास ही सब कुछ है, मेरे से ही मेरे परिवार है, मेरी से ही मेरी इनकम है, मेरे से ही मेरी जर्नी है। कि जब थोड़ा दूर से आउट ऑफ फोकस होकर दूर से देखते हैं या 365 बर्ड व्यू से देखते हैं, कहते हैं आसपास हमारे कितने सारे लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे नेबर्स हैं, हमारी कॉलोनी है, हमारा मोहल्ला है, हमारा सिटी है, हमारी कंट्री है, हमारी दुनिया है, हमारा ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है। And I am surrounded by so many things that are affecting who I am, right? तो क्या मैं सब कुछ हूँ या मैं सब कुछ का ही पार्ट हूँ? तो मेरे ख्याल से हम दोनों हैं, कभी मैं सब कुछ हूँ और कभी मैं सब कुछ का पार्ट हूँ। तो कैमरा की जैसे थोड़ा सा जूम इन करो अपने ऊपर कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और फिर जूम आउट करके ये भी देखो कि यार मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, सारा ब्रह्मांड सब कुछ कर रहा है, उन सबसे मैं हूँ, मेरे से सब है, तो सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ, बाकियों को छोड़ दूँ। आगे वो कहते हैं कि कभी आधी लगती है जिंदगी, कभी अधूरी लगती है, जितनी है उतनी समेट लो, बाकी बह जाते हो। सो कभी कभी हमें लगता है कि यार आज मुझे पूरी बात समझ आ गई है, ये जिंदगी का एक फेज है जो मुझे पूरा समझ आ गया, जो मेरे कंट्रोल में था, और कुछ चीजें जो हमें नहीं समझ आ रही, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, जो हमसे निकल रही है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो समझ आ रहा है उसको समझ लो, जो नहीं समझ आ रहा उसको भी जाने दो। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और आई थिंक आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी आप ये कर सकते हो कि जो चीज़ समझ आ रही है आगे बढ़ने की, उसको लेके आगे बढ़ते रहो, जो चीज़ अभी नहीं समझ आ रही उसको गो विद द फ्लो, वो आ जाएगी समझ, अड़ो मत किसी भी एक चीज़। दूसरा इन्होंने लिखा है कि जैसे वो ये कहते हैं कि कवियों पे तितली है, कभी वो तितली कवियों पे रहकर इट्स गेटिंग द नेक्टर, इट्स गेटिंग कभी वो तितली उड़ जाती। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट,
कभी हमें वो मिल जाएगा तो हमें चाहिए, और कभी वो चीज हमारे हाथ के सामने से उड़ जाएगी। उस मोमेंट को एंजॉय कर लो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट चीज पे फोकस करो, नेक्स्ट चीज पे। और लास्ट में एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि क्या ये जिंदगी जरूरत से ज्यादा है या जरूरत से कम। अब ये लाइन बहुत अच्छी है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप जान सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो अपनी जरूरतों के हिसाब से करते हैं, तो कितनी हमारी जरूरतें हैं और कितनी जरूरत से ज्यादा है उतना काम में कर रहा हूँ उसको। कभी समझने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा सोचेंगे कि हमारे पास कम है, क्योंकि मुझे लगता है हम इंसान जो है हम बने इसलिए बने ही थोड़ी सी लैक से बने, थोड़ी सी हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, थोड़ा कम, थोड़ा और समेट लें, थोड़ा और तो मंजिलें जो हम पाने की जो हमारी चाह है, हमारी भूख है, और वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो क्या कम मिलेगा मेरे को या कभी बहुत ज्यादा मिल जाएगा मेरे को, इसको मैं बैलेंस नहीं कर सकता। सो आई थिंक द होल सॉन्ग इज अराउंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ विद द लॉजिकल माइंड दैट यू हैव। आई डोंट थिंक वी हैव द पावर टू अंडरस्टैंड, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बॉस अलाउड ही नहीं है। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने पॉडकास्ट सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कितने यूट्यूब चैनल देखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमको लगता है कि हमारे को जिंदगी समझ आएगी। जिंदगी जीने से समझ आएगी, हर पल में रहने से समझ आएगी, और जितनी समझ आ जाएगी वो ठीक है, जितनी नहीं समझ आएगी वो ठीक है। जिंदगी को जज करना सबसे गलत चीज है मेरे हिसाब से। उसको रोज जी लो, हर लम्हे को जी लो, आगे बढ़ते चलो, कुछ समझ आएगा कुछ नहीं समझ आएगा, एंड दैट्स फाइन, एंड दैट इज फाइन, बी ओके विद इट। डोंट ट्राई टू थिंक दैट एनीबॉडी एल्स हैज गॉट लाइफ फिगर्ड आउट, बिकॉज इतने सारे जो बॉलीवुड की जो गाने आते हैं और बॉलीवुड की जो मूवीज आती है जैसे लाल सिंह चड्ढा, तो आपको सिर्फ ये बताने के आ रही है इस टाइप के गाने इस टाइप के आ रहे हैं बताने के लिए कि डोंट ट्राई टू गेट अ ग्रिप ऑन एवरीथिंग एंड से यस अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, एंड बी ओके विद द फैक्ट कि नथिंग इज इन योर कंट्रोल एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट मोमेंट। सिर्फ ये लम्हा जो है इसे आप अपने कंट्रोल में करो, और कंट्रोल में कैसे करोगे, जिस पर ऑब्जर्विंग इट एंड डूइंग व्हाट यू कैन डू। पृथ्वी उड़ जाएगी, आप समुद्र के पार होगे कभी कभी नहीं होगे, कभी लम्हा आपको समझ आएगा कभी नहीं समझ आएगा, एंड दैट्स ओके, बी ओके विद नॉट बीइंग ओके, बीइंग नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स गोना हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, बीइंग अनसर्टेन अबाउट लाइफ, जस्ट बीइंग एबल टू बी इन द नाउ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करो, काम आप जरूर करोगे, लेकिन यू विल डू व्हाट यू कैन डू एंड यू विल नॉट ट्राई टू होल्ड ऑन टू रियलिटी एंड गेट अ ग्रिप ऑन एवरीथिंग। मुझे सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल। एक बात बताओ, दुनिया भर के लोगों को इंटरव्यू करने के बाद और इस प्लैनेट पे 45 साल गुजारने के बाद मुझे ये समझ आ गया किसी को कुछ नहीं पता, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड थिंकिंग समबडी एल्स हैज फिगर इट आउट। जिन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो बड़े बड़े गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं। हर मेंटर का एक मेंटर है, वो सोचता है किसी को ऐसी चीज पता है जो उनको नहीं पता, और सबको एक चीज पता है कि आपके पास ये प्रेजेंट मोमेंट है, इसी को जी लो। डू व्हाट यू कैन टुडे, मेक अ लिस्ट ऑफ नोट्स, जैसे मैंने बनाया आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करने से पहले मैंने नोट्स बनाए कि मुझे आज क्या करना है। उनमें से कुछ चीजें मैं कर पाऊंगा, कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी। कैमरा ये स्टार्ट करने से पहले मेरा कैमरा टूट गया था, तो मैं फोन पे आ गया। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, कल और बेटर कर देना अगर कर सकते हो। ज्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को, ज्यादा सीरियसली मत लो अपने आप को। जिंदगी सिर्फ आपके चलने से नहीं चलती, जिंदगी तो वैसे ही चल रही है, आपने उसमें अपने आप को एज अ को क्रिएटर मानना है कि क्या मैं जिंदगी कर रहा हूँ या ऑलरेडी लिखी हुई है। ये सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आता है ना, क्या ये जिंदगी मैं जी रहा हूँ या जिंदगी ऑलरेडी लिखी हुई है। कुछ लिखी हुई है और कुछ हमारे हाथ में है। मेरा मानना यह है कि हम लोग को क्रिएटर्स है अपनी लाइफ के, जितना आप कर सकते हो आप वो करो, बाकी फ्लो में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, वो समुद्र का पानी तो चल ही रहा है। आप उसमें जाओगे और आप उसमें अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हो, आपने किस डायरेक्शन में जाना है, बाकी फ्लो चल रहा है, गो विद द फ्लो। Have a good day. I hope you enjoy the movie. And मुझे अपने कॉमेंट जरूर बताना कि आपने इस मूवी से क्या सीखा, बिकॉज हर बॉलीवुड मूवी एक एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ का लेसन है। फैंटास्टिक डे, और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गाने से आपने क्या सीखा, इस मूवी से आपने क्या सीखा अबाउट लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और आपको ये बॉलीवुड इंस्पायर्ड एंटरप्रेन्योरियल और लाइफ जर्नी की सीरीज मेरी कैसी लग रही है कॉमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट द मूवी डॉन, कि हमने डॉन से एंटरप्रेन्योरशिप entrepreneurial journey or life ke bare mein kya seekha, the movie Dawn by Shah Rukh Khan is the next video, go and watch it now.